कोविड-19 आने के बाद लगातार जिस तरह से आपने संक्रमण देखा कि किस तरह से भारत के अंदर कोरोना से लोग प्रभावित हुए, हॉस्पिटल भी गए और बहुत सारे लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे, लेकिन अब जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके लिए जो है एक थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि उन लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है और खुद भी रहना है। जिस तरह से कोरोना हुआ उसके बाद अभी स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पे कहा है जिन लोगों को कोरोना हुआ था उन लोगों को अभी 1 से 2 साल अधिक परिश्रम करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो आती है हार्ट अटैक से मौत हो जा रहा है किसी का, चलते चलते गिरना और मौत हो जाना, या फिर किसी का डांस करते हुए चलना मौत हो जाना। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार, चाहे वो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हो या फिर बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला हो, इन लोगों का भी जो मौत है वो हार्ट अटैक के कारण हुआ था। लेकिन पहले जिस तरह से माना जाता था कि हार्ट अटैक जो आ रहे हैं वो 50 से 55 के उम्र में आते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो है इस वक्त 22 साल 25 साल से जितने भी ऊपर हैं उन सबको हार्ट अटैक हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा 28% अभी तक अगर भारत में मृत्यु हुई है तो वो जो है हार्ट अटैक के कारण हुई है। इस चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुभाष कक्कर जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले कोरोना को लेकर क्या कहेंगे? कोरोना जिस तरह से आई, एक महामारी थी और उसके बाद लोग जो है ठीक हुए, घर गए, और अब उसके दूसरे प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। कोविड एक बहुत बुरी महामारी थी जिससे बड़ा नुकसान हुआ, जो इमीडिएट नुकसान हुआ वो तो हो गया, लेकिन अब उस वक़्त जो नुकसान हुआ था वो अभी तक भी कुछ लोगों में रह रहा है। उसका कारण ये है कि जब इन्फेक्शन हुआ था, बॉडी में इन्फेक्शन के सेल्स चलते थे, सारी जो लाइनिंग थी ब्लड वेसल्स की, खून की नलियों के अंदर खून क्लॉट जम जाते थे, वो क्लॉट जब जमते थे बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर लेते थे, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट थे वो ऑलमोस्ट साल के अंदर हील हो जाते थे और रिकवर हो जाते थे। हार्ट के अंदर जो डैमेज आती थी, उस डैमेज से जो उसकी लाइनिंग ख़राब हो जाती थी, उस पर क्लॉट बनता था, रुकावट होती थी, जो रुकावट होती है या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग से वहाँ रुकावट आती है, खून का दौरान कम हो जाता है। खून का दौरान कम होने के कारण वो हिस्सा हार्ट का डेड हो जाता है या वहाँ की मसल वीक हो जाती है। मसल वीक होने के बाद वो जो हार्ट होता है उसकी मसल बड़ी स्लोली रीग्रो करती हैं, तो इससे पहले कि वो रीग्रो करें वहाँ स्कार बन जाता है, तो वो स्कार बनने के कारण उतना पार्ट जो है हार्ट का काम नहीं करता, वो काम ना करने के कारण उतनी ही बॉडी में वीकनेस, हार्ट के काम करने से कम काम करने से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, उतनी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो उन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम आती है वो आगे हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं असर करती है और वो बाद में शो करती है। तो इसमें टाइम समय तो लगता है, लेकिन अब जो है समय होने के बाद ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि उसके बाद ये चीज़ें बढ़ गई हैं। इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो स्वेलिंग होने के बाद बीमारियां हैं, जो हार्ट की बीमारियां, 5-6 बीमारियों का नाम बताऊंगा जो कि मेन हो रही हैं, जो कि ये सेल डेड होते हैं उसके बाद उसका जो सर्किट होता है हमारे ईसीजी, जैसे ईसीजी की वेव्स होती हैं, उनका वेव्स का रास्ता बदल जाता है, वो वेव्स का रास्ता जो बदल जाता है तो हार्ट की रिदम चेंज हो जाती है, तो हार्ट में एरिथमियाज हो जाते हैं, आपकी पल्स इरेगुलर हो जाती है और हार्ट में चेंजेस आते हैं और हार्ट उस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम नहीं कर पाता। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से पहले बताया जाता था कि जो हार्ट अटैक आते थे वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, लेकिन वो एक उम्र थी कि 50 के बाद 55 के बाद आते थे, लेकिन अभी जो है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, आपने कई ऐसे मामले देखे होंगे, और ये जो है युवा वर्ग में काफ़ी ज़्यादा है, तो युवा कैसे बचे इससे? बचने के लिए तो ऐसा है कि अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें डिटेल बताऊंगा कि हमें सब चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी तो हमें ये देखना है कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हुई हैं और वो हो चुकी हैं बॉडी में, जैसे पहले शुगर ब्लड प्रेशर को हम एक कारण मानते थे, अब कोविड को भी एक कारण ही मानते हैं कि वो अपनी डैमेज कर गया है, अब हमने उस डैमेज को संभाल के रखना है कि हमारे हार्ट की थोड़ी सी पावर बढ़े और हम अच्छे से काम कर पाएँ और आगे हमें ये प्रॉब्लम ना बढ़े, तो हमें हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है वो सारे स्टेप्स मैं आपको अभी गिना के बताऊंगा।
पहले मैं आपके बात कर रहा था कि हमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ रही हैं। पहले आती है हमारी वेव्स की प्रॉब्लम, जिससे कि हमारी पल्स इरेगुलर हो जाती है। उसके बाद सेकंड आता है कि हमारे हार्ट में पंपिंग कम होने से स्ट्रोक होने का चांस रहता है, जिसमें दिमाग में सर्कुलेशन कम हो जाता है। तीसरा है हार्ट का फेलियर, जब हार्ट पूरा पंप नहीं कर पाता, बॉडी में फ्लूड इकट्ठा हो जाता है तो हार्ट उतना स्लो पंप करता है तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और सांस नहीं आती है, आँखों पर सूजन आ जाती है। तो ये तीसरी डिजीज है जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं, कार्डियक फेलियर। उसके बाद हार्ट अटैक होता है, कहीं भी खून की नस रुक जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। चौथी प्रॉब्लम है खून जमने के कारण हमारे पाँव की नसों के अंदर खून जम जाता है, जिससे खून का सर्कुलेशन ऊपर कम हो जाता है। तीसरा, वो जो क्लॉट बनता है वो कहीं भी हमारे हार्ट या दिमाग में जाके डैमेज कर सकता है। तो बेसिकली क्लॉटिंग से सारी चीज़ें। उसके बाद होता है कि जो ये क्लॉट्स के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जब हुआ था उस वक्त जो भी जहरीले पदार्थ हमारे खून में घूम रहे थे, उससे कार्डियोमायोपैथी रिएक्शन हो जाता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जिससे कि पूरी बॉडी की मसल्स या हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं, तो उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो उससे हार्ट और वीक हो जाता है। ये तो कुछ छः बीमारियाँ मैंने आपको गिनाई हैं जो कि हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपके साइन सिम्टम्स क्या आते हैं। जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका हार्ट ठीक है या नहीं है? तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगी, एक तो रेगुलर खांसी हो सकती है, जिसके साथ आपको सांस भी चढ़ सकता है, सांस ठीक नहीं आता है। आपको हर वक्त एक वीकनेस सी लगेगी, आपको थोड़ी भूख कम लगेगी, आपको बार बार दिल की धड़कन ज़्यादा फील होगी, आपको लगेगा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, अनइजी, पसीने आएंगे और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा आपका। आपके पाँव में सूजन आ सकती है। ये मेन चीज़ें हैं जो कि इन सब बीमारियों को, हार्ट की बीमारियों को आपको शो करती हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे में किसी को लगे कि उसका दिल जो है ज़ोर से धर 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 कर रहा है, या फिर सांसें तेज चल रही है, पसीना आ रहा है, तो ऐसे में क्या करे वो, थोड़ा उसके लिए देखो, बेस्ट तो यही होता है अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप डॉक्टर से मिलिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, पल्स चेक करिए और ईसीजी कराइए। और अगर आपने खुद ही चेक करना है आपका हार्ट कितना वर्किंग है, उसके लिए सबसे पहले अपने हाथ पे, इस जगह पे हाथ रख के आप अपनी नर्व्स को चेक करिए, नर्व्स को काउंट कीजिए पर मिनट कितनी है, और हर बीट जो है वो आपकी रेगुलर आ रही है या कुछ गैप पे आ रही है। एक रिदम में होती है, रेगुलर आएगी, एक हो सकती है रिदम में बीच में टूट रहती है, बीच में नहीं आई तो वो इरेगुलर होती है, उसमें इरिदमिया होने का चांस होता है। पहला है आप हार्ट रेट अपना चेक करेंगे, उसके बाद आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी देखेंगे, सांस जल्दी तो नहीं चढ़ता है, उसके बाद आपने काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से पहले देखेंगे आप, अगर एक आधा किलोमीटर जाने तक थकते नहीं थे और अब थक रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वीकनेस आ रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। अब ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करेंगे, उसके बाद आपने अपने ओरल हाइजीन को देखना है कि ओरल हाइजीन से भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है हार्ट की मसल्स के ऊपर, तो ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। और एक रेगुलर आपको चेकअप कराना चाहिए अपना बॉडी का, ताकि आपके कोई बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो आपको जल्दी पता लग जाए, आपको नुकसान होने से पहले आप उसको ठीक कर सकें। और एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है बचाव के लिए। यानी कि देखिए, साफ तौर पे जो है हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और सुभाष कक्कड़ जी साफ तौर पे आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से बचना है। अगर घर पे चेक करना है तो आप घर पे चेक कीजिए, या फिर हफ्ते में या महीने में एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, अभी एक्सरसाइज के लिए बता रहे थे, वो भी कुछ बता दीजिए। अब हम ये बताएंगे, जब आपने देख लिया कि आपको ये प्रॉब्लम होने का चांस है या नहीं है, अगर अब सब कुछ ठीक है फिर भी अगर आपको चाहते हो कि आपका हार्ट आगे तंग ना करे, तो उसके लिए आपको हार्ट को स्ट्रांग कैसे करना है। स्ट्रांग हार्ट करने के लिए सबसे पहले आप, जैसे हम सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो हमें कुर्सी पर बैठने से एक एक घंटे बाद एक 5-7 मिनट का स्ट्रॉल लेना चाहिए, ताकि खून ना जमे और हार्ट की पंपिंग ठीक रहे। उसमें हमें बॉडी को मूव करना है, चाहे किसी भी तरीके से करें। अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट बंद कर दीजिए। शुगर वगैरह है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है आपने। उसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़ा बॉडी वेट को भी कम करिए, और बिल्कुल खाना जो है हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा ऑयली ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, एक टाइम पे ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़े थोड़े उसमें लेना है और फ्रीक्वेंटली लेना है आपने, और ज़्यादा नहीं खाना है। और सबसे बड़ी बात है, एक आपने अपनी स्ट्रेस को कम रखना है, टेंशन नहीं रखनी है, रिलैक्स रहना है। में सर अगर देखा जाए तो युवा वर्ग के पास काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, कहते हैं समय कम और टेंशन ज़्यादा। देखो, टेंशन तो आज की डेट में सबको है और उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी में है, ज़िंदगी में आप आए तो टेंशन तो रहेगी,
उससे आप कोई हल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। उसको रोकना है तो आप रिलैक्स रहिए, कोई भी काम करना है काम मेहनत से करिए, दिमाग से जोर मत डालिए उससे, और मेडिटेशन करिए, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करेंगे, पूरी नींद लेंगे, तो ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और ये थे कुछ सवाल, आपने सुना किस तरह से जो है जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों को बेहद सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आपके जीवन के लिए है। और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी जानकारी मिले। और साफ तौर पे आपने सुना सर, एक चीज़ और माना जाए कि दिल्ली में जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या ये भी हार्ट पे दिल पे असर डाल सकता है? बेसिकली पॉल्यूशन से हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम होता है, और कुछ ऐसे पार्टिकल जो 0.25 से ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो हार्ट में और लंग्स में जम जाते हैं, तो लंग्स की फंक्शनिंग, हार्ट को ही पंप करना है लंग्स में, तो लंग्स में पंप नहीं कर पाएगा तो फिर हार्ट पे जोर पड़ेगा। अब अगली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको बॉडी में एक्सरसाइज क्या क्या करनी चाहिए। एक्सरसाइज का रूल होता है कि हार्ट के लिए हमें एक हफ्ते में 150 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, 5 times a week कर लो, और 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज होती है वो एरोबिक होनी चाहिए, आइदर ब्रिस्क वॉक और रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग की जा सकती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सोचो जी मैं 30 मिनट लगातार कर लूँ, आप स्लोली शुरू करेंगे, अगर आपको वो एक्सेप्टेबल होगी तो आप थोड़ी थोड़ी बढ़ाएंगे, 5-5 मिनट करके बढ़ाइए। आप 10 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट बढ़ाइए, अगले दिन फिर 5 मिनट बढ़ाइए, जब तक आप 30 मिनट के लेवल पे नहीं आते हैं। इससे आपको पता लगेगा आपका हार्ट उतना कंपनसेट कर रहा है, उससे पहले ही तंग कर रहा है, तो डोंट थिंक कि मैं आज 30 मिनट करके ही जाऊँगा। स्टेमिना भी बढ़ सकता है, यस, आप स्लोली करेंगे तो अगर स्टेमिना नहीं भी होगा तो वो बढ़ेगा और आप बेटर होंगे, हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा आपका। और बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अगर जिन्हें प्रॉब्लम होता है वो एक्सपर्ट से जाके मिले? जो सब मैंने प्रॉब्लम्स आई इसमें 90% तो आप खुद ही इसको ढूंढ पाएंगे, ढूंढने के बाद इलाज तो डॉक्टर ने ही करना है और वो आपको गाइड करेगा। जो बेसिक्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब इसमें एक पॉइंट और मैं बताऊंगा कि आपने खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। एक तो पानी खूब पीना है, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे अच्छा रहेगा। मिल्क लेना है, ज़रूर लेना है, लेकिन टोन वाला मिल्क लेना है, क्रीम वाला मिल्क नहीं लेना है। उसके अलावा आप दूसरा वेजिटेबल मिल्क्स भी ले सकते हैं, उसमें आपका आ जाता है एलमंड मिल्क आ जाता है, सोया मिल्क आ जाता है, और ओट्स मिल्क आ जाते हैं। इसके अलावा चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं, ज़्यादा शुगर नहीं डालनी है, ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है। और उसके बाद आप थोड़ा फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस कम मीठा होना चाहिए और 125 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये और सुबह सुबह अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, और थोड़ी वॉक करते हैं, तो वो सब इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। मतलब इन सबसे जो है किसी को अगर इस तरह के लक्षण होते वो बच सकता है, हार्ट अटैक से बच सकता है? बचने में यही है कि आपको मैंने सारे साइन बता दिए, तो आपको कहीं भी शक लगता है तो आप चेक कर लेंगे, तो आप कम से कम हार्ट अटैक होने से पहले अपने को ठीक जगह पहुंचा पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और आगे के लिए सुखी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और जिस तरह से ये पूरी जानकारी हमने आपको दी, दिल्ली अप टू डेट चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि आप अपने घर पे रहे, जिस तरह से कोरोना आया और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये दोहरा मार है और दोनों को जो है दिल्ली वालों को, देशवासियों को झेलना है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।